तो फाइनली गाइज मैं आ गया हूँ कॉलेज से, और गाइज ये मिला है मुझे 3 साल बाद गाइज NSS का ना फाइनली सर्टिफिकेट मिल चुका है गाइज। तो गाइज फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं खेत पे अपने, और गाइज पता है और इस वाले खेत पे ना समथिंग में 2 महीने बाद आया हूँ। हाँ तो रहा है, देख तुझे ना बहुत लोग देखेंगे कल को, जान जाएंगे तुझे भी ना छत अंदर रोशन का भान जाए। जनता गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज फाइनली आज जाने वाला हूँ मैं अपने कॉलेज में जहाँ से मैंने बीए पास आउट करा था, जमन लाल हसनपुर में। तो गाइज उसमें ना मैंने NSS भी कंप्लीट करा था, तो उसका ना शायद सर्टिफिकेट वगैरह मिल रहा है जैसा भी। और गाइज मैं मिलवाऊंगा आज आपको जो मेरे बेस्ट फ्रेंड वगैरह उस कॉलेज से रहे थे जैसा भी, जो मेरे फ्रेंड है और एक मेरी बहुत अच्छे दोस्त है गाइज मिलवाने वाला हूँ आज, भयंकर सीन जो भी है। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए, कुछ ही देर में निकलूंगा मैं कॉलेज के लिए, बस अभी कपड़े चेंज करने, नहा तो मैं काफ़ी टाइम कर लिया, सुबह मॉर्निंग में नहा लिया था, तो बस 9 बजे निकलूंगा मैं यहाँ से, कपड़े वपड़े चेंज करके खाना पीना भी खा लिया है मैंने, तो उसके बाद ना गाइज कॉलेज में मिलवाने वाला हूँ आज मैं आपको, अपनी मैम से मिलूँगा गाइज, मेरी एक है ना बहुत अच्छी मैम है, और सर जैसा भी है पूरा कॉलेज का ब्लॉग होने वाला है जो भी है, तो बस कपड़े चेंज करके निकलते हैं। तो गाइज फाइनली तुम्हारा भाई हो चुका रेडी और एकदम से निकलते हैं, शायद मैं रिक्शे से भी जा सकता हूँ या फिर बाइक से जैसा भी है। तो बस खाना नहीं खा रहा क्योंकि गाइज मैं खाना खाने वाला था, भूख लग रही है, लेकिन इन लोगों ने ना सब्ज़ी ऐसी बना रखी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खटाई आम की, तो मैं वो खाता ही नहीं हूँ। तो बस निकलते हैं एकदम से कॉलेज के लिए। तो गाइज फाइनली कॉलेज पहुँच चुके हैं, और गाइज अभी मैं जा रहा हूँ अंदर मैम से मिलते हैं। और गाइज पता है अंदर ना ब्लॉगिंग करना इतना अलाउड नहीं है कैमरे से, क्योंकि ऑन पब्लिक ना मना करते हैं सर जैसा भी है, तो सर्टिफिकेट लेकर आना है मुझे, वही इंपॉर्टेंट काम है कॉलेज में आज जैसा भी। तो अभी चलते हैं कॉलेज में, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली गाइज मैं आ गया हूँ कॉलेज से, और गाइज ये मिला है मुझे 3 साल बाद गाइज NSS का ना फाइनली सर्टिफिकेट मिल चुका है गाइज। हमने ना गाइज इसमें ना समथिंग 90 दिन काम करा था जैसा ही, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी तब जाके ये मिला है। तो अंदर है ना गाइज ब्लॉग शूट नहीं करा था मैंने, क्योंकि इशू रहता है यार जो टीचर लोग हैं ना कुछ बोलते हैं। एक बार मैंने अंदर ब्लॉग कर रहा था ना तो कैमरा जब्त कर लिया था मेरा, बट दे दिया था बाद में जैसा भी है। तो फाइनली ये तो मिल चुका है, और अभी कुछ देर में निकलते हैं घर के लिए। और सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे कॉलेज से ना डायरेक्ट, यार मुझे ना कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मैं वहाँ से, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे उन्होंने छोड़ के एकदम से आ गया। तो अभी एक भाई के पास आए, शॉप है भाई की पीछे, मतलब गेम से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हो, मिलवाते हैं उससे जिस भाई की शॉप है। गाइज ये एक हमारा स्कूल फ्रेंड सक्षम, क्या हाल है भाई तेरे? बड़े भाई। और सब बॉब कैसे चल रही है? भाई इसकी शॉप है भाई, कुछ भी चाहिए ना, देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बता क्या क्या चाहिए तेरी शॉप पे? सब है, लोअर टी शर्ट, बैट बॉल, रैकेट अच्छे कोस्को के हैं, कैरम बोर्ड है, सब चीज़ है, बैट बैट सब, हाँ। मतलब गाइज स्पोर्ट्स रिलेटेड सब है, सब कुछ मिल जाएगा भाई, छोड़ के सब है। हाँ गाइज बताए भाई के पास ना सब कुछ अवेलेबल है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना आप कुछ भी यहाँ से परचेज कर सकते हो। और एड्रेस है, एड्रेस बताए एक बार। सरकारी रोड अंबेडकर सर। हाँ मतलब गाइज जो हसनपुर में जो सरकारी सरकारी अस्पताल पर रोड जाता है ना उसी पे पड़ता है ये, बाकी मैं इसके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, कॉल कर लेना जो भी सामान आपको चाहिए भाई का। तो इससे मिलना आया था गाइज, मतलब काफ़ी टाइम से स्कूल फ्रेंड है ना इसलिए आज इससे मिला था मैं। और अभी मुझे ना कुछ मार्केट में भी काम है, उसके बाद निकलना है घर पर, तो अभी यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज फाइनली आ गया हूँ मैं अपने घर पे कॉलेज से, और गाइज पता नहीं क्यों यार मूड सा ऑफ हो रहा है मुझे, आते आते नहीं पता नहीं क्या हो गया, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, मतलब ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कॉलेज से आया हूँ ना पता नहीं क्या हो गया यार, हुआ भी मतलब वैसे क्या ही बताऊँ। तो भाई ये ना 3 साल बाद मिला है, 3-4 साल बाद, 2019 में मैंने स्टार्ट करा था ये, 19 और 20 तक चला था गाइज, 2023 भी निकलने वाला है, तो अब मिला जाके ये फाइनली। और गाइज गर्मी लग रही है बहुत, कपड़े चेंज करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या काम है जो भी है। पता नहीं गाइज पता क्यों मेरा आज मूड ऑफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं ऐसे यार फेस से देख के नहीं लग रहा, लेकिन जब से कॉलेज से आया हूँ ना मैं बहुत मूड ऑफ हो रहा है पता नहीं क्यों, कोई नहीं कपड़े चेंज करते हैं। तो गाइज फाइनली कपड़े चेंज कर लिए, और गाइज पता है नींद आ रही है भयंकर वाली, पता नहीं क्यों 2 बज चुके हैं, सोने जा रहा हूँ, बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों यार दिन में नींद आ रही है 2 दिन से, कल भी सोया था और आज भी, तो सोने के बाद मिलते हैं समथिंग 2-3-4 बजे उठूँगा, 4-4:30 बजे उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज फाइनली मैं उठ गया हूँ सो के, और गाइज टाइम 3:35, ये चेक करो
चाय का टाइम हो गया, चाय वाय पीते, चाय भी बन चुकी है और चाय पीने के बाद देखते हैं क्या नेक्स्ट प्लान। तो गाइस जी आ चुके अपनी चाय पीते हैं। तो गाइस फाइनली चाय पी ली और गाइस अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, एक जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, अभी नहीं बता रहे कहाँ जा रहे हैं, आगे आपको पता चल जाएगा, बस कुछ देर में निकलते हैं। तो गाइस अब पता है हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, एक खेत पे जा रहे हैं गाइस, बहुत दिनों बाद घूमने जा रहे हैं, ऐसे देख के आते हैं क्या सीन है वहाँ पे। तो एक बाइक लेके चलते हैं, घर पे ना बड़े वाले जीजाजी आ रखे हैं ना, उनकी बाइक लेके जा रहे हैं, मैं कौशन मेरी बाइक उनकी। तो भाई चलते हैं खेत पे। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं खेत पे अपने, और गाइस पता है इस वाले खेत पे ना समथिंग में 2 महीने बाद आया हूँ, ये वही खेत है गाइस जिसमें हमने खरबूजे लगाए थे, आपने ब्लॉग देखे होंगे एक दो, और ऐसे ही एक देखने आए थे, पापा कह रहे थे बस देख आओ, तो मैं और कौशल आए थे। तो गाइस अभी देखते हैं इसमें एक वगैरह क्या चल रहा है। तो गाइस फाइनली अभी चलते हैं अंदर, और गाइस ये चेक करो, ये गन्ना देख रहे हो हमने स्पेशली बीज के लिए तैयार कर रखा है, मतलब एक इधर है एक इधर है, बीच में खरबूजा लगा हुआ था लेकिन वो निकाल के फेंकते हैं हमने बाहर। और गाइस ईक के हालात है कुछ ऐसी, कुछ दिनों बाद ना तैयार हो जाएगी ये, जिस भाई को बीज चाहिए तो कमेंट कर देना। गाइस पता है बहुत अच्छा सा लग रहा है खेत पे आके घूमने से भाई, बहुत दिनों बाद आया हूँ ना गाइस मैं, अभी समथिंग 1-2 महीने से ना इतना ज़्यादा बिजी था ना, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम चल रहे थे और ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे, तो आज है ना बहुत दिनों बाद खेत पे आ गए ना, थोड़ा एक अलग ही फीलिंग आ रही है गाइस मस्त वाली। और गाइस पता है ये वाला जो गन्ना हमने इसमें बो रखा है ना अपने खेत में, समथिंग 6-7 महीने बाद रेडी हो जाएगा, स्पेशली बीज के लिए हमने तैयार कर रखा है ये, तो जैसे रेडी होता है उसके बाद आप है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बीज के लिए, क्योंकि हमने ना स्पेशली ये बीज के लिए ही रेडी करा था। और ये है 13235 मॉडल है इसका, बस और आगे कुछ भी नहीं जा रहा डिटेल, मेरे भैया को पता है उनसे पूछना आप जैसा भी है। तो कुछ देर रुकते हैं यहाँ पर उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस फाइनली समथिंग 20 मिनट के बाद हम जा रहे हैं घर, ऐसे बस घूमने आए थे यार, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा ना बस एक फैसिंग फीलिंग हो रहा है गाइस, बस ऐसे थोड़ा सा शांति मिल गई मन को, शाम के टाइम आ गया ना, अच्छा सा लग रहा है, घूमना भी हो गया और खेत पे देखना भी हो गया जैसा भी है। तो अभी घर चलते हैं, क्योंकि आज के ब्लॉग में ना गाइस पता नहीं क्यों मुझे खुद मजा से नहीं आ रहा था, आपको क्या आएगा, मतलब थोड़ा मूड सा भी ऑफ था पता नहीं क्यों किसी बात को लेके, तो बस निकलते हैं घर के लिए चलो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, और गाइस बताए क्या बोलते, खाना रेडी हो रहा, खाना वाना खाएंगे, और इधर इनसे मिलो, ये हमारे भांजा, क्या हाल है भाई, पूछी इधर देखना, देख वीडियो देखी तूने मेरी, देखा है नी सारी वीडियो, देखा है ना। तो गाइस ये है मेरा बड़ी वाली दीदी का छोटा वाला लड़का, ये आज ही आया था, इसके पापा भी मम्मी भी हैं भाई, देख इधर देख उधर देख, कहाँ पर है तू, बोल हेलो, बोलिए बोलना, बोल बात कर इन सभी लोगों से, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, अरे आ तो रहा है देख, तुझे ना बहुत लोग देखेंगे कल को, जान जाएंगे तुझे भी ना चाहते अंदर, रोशन का भांजा, ऐसे करो बाय, बोलो हेलो, बोलना कुछ तो बोल, गाइस ये कुछ नहीं बोल रहा है, पता है क्यों, इसके सामने कैमरा चल रहा है ना, ये कैमरे को देख के सोच रहा है पता नहीं क्या है, अब वैसे ब्लॉग देखता ही है। हाँ अगर भाभी होती ना, गाइस भाभी को जानते हो आप, भाभी होती तो कर देती अब तक, हेलो बोल, हेलो बोल, बोल ये नहीं बोलेगा भाई। तो गाइस कुछ देर में खाना वाना रेडी हो रहा है, उसके बाद खाते हैं खाना वाना। सो गाइस जी आ चुका अपना खाना, खटाई की सब्जी और रोटी मुझे पसंद नहीं है लेकिन भाई खानी पड़ रही है, यही बनी हुई है इसलिए। तो गाइस फाइनली खाना खा लिया है, अरे बाप रे, और गाइस अभी चलते हैं दुकान पे जहाँ सोना है, ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे जो भी है, तो भाई मज़ा आ गया खाना खा के, जैसा ही था, पसंद नहीं है सब्जी लेकिन फिर भी ठीक ठाक था जैसा भी है, तो चलते हैं दुकान पे। तो गाइस फाइनली नाइट के 9:07 हो चुके हैं, और गाइस अभी जा रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि गाइस कर लेना मेरा LLB सेकेंड सेमेस्टर का ना 4th एग्ज़ाम है, मेरा गाइस अपना यूनिक भिंडा टाइप का बना रखा है, क्योंकि ये पता है ऐसा क्यों हो गया, ऐसे पकड़ के रखता हूँ मैं हाथ में, हर टाइम लगा के रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ जैसा भी है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और ये वाला ब्लॉग करते हैं पेंट। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना, गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।